तो पिवट टेबल की हमारी चौथी क्लास है, और पिवट टेबल की चौथी क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल। क्या होता है पिवट टेबल? जो आप लगाते हैं और लगाने के बाद उसके अंदर कुछ ही तरह का चेंजिंग होती है, तो वो अपडेट हो तो जाता है लेकिन उसके भी कुछ पेज है। जैसे आपके सामने डेटा है और डेटा आप देख पा रहे हैं कि डेटा ये 1 महीने का डेटा, ये 365 डेटा है, और हम इसको पिवट टेबल लगा दिए। ठीक है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज या कस्टमर नेम वाइज हमने टोटल यूनिट्स का यहाँ पे निकाल लिया। अब मान लीजिए कि कोई कस्टमर चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अजीत के जगह पे अजीत कुमार भी आ जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे पिवट के ऊपर तो ये आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने डेटा को चेंज किया, बात समझिएगा, हमने क्या किया, डेटा को चेंज किया। अब हम बात करते हैं डेटा अपेंड, मतलब कि नई डेटा को डालना। तो मान लीजिए कि यहाँ 1 जुलाई का डेटा डल गया, ठीक है, MUZ का डेटा, सेलफोन ही समझ लीजिए, और नेम मान लीजिए मैंने यहां पे SK डाल दिया। और हमने चीजें डाल दिया। अब ये डेटा हमारे पिवट में नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, देखिए नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने नई डेटा एंट्री की है। हम जो पिवट लगाए नहीं वो किया, सिलेक्ट थ्री नहीं किया ना, से, पिवट नहीं हाँ नहीं सिलेक्ट किया सिलेक्ट किया उसने, मैं, मतलब नहीं पिवट 300 लगा एक हुआ तरफ से पहले किया से, नहीं। सोचिए दोबारा पिवट लगाएंगे तो सिर्फ दिक्कत ही नहीं है। हम बात करते हैं कि पहले से पिवट रिपोर्ट बना है और आपने नया डेटा डाला, तो आपके पहले से बने पिवट में वो नए इंट्रीज अपडेट नहीं होगी, क्योंकि पिवट जो हमारा लगा था वो 361 तक लगा था, 362 को नहीं लगा था। वही नहीं बोल रहा हूँ तो सर, वही बात कर रहा एक हूँ सर मिनट मैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। तो अब आपको उस इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए पिवट टेबल के सोर्स को अपडेट करना होगा। कहाँ से? पिवट टेबल एनालाइज से चेंज डेटा सोर्स, और यहाँ इसको सिलेक्ट कर लीजिए दोबारा से, जिसमें आपका 1 जुलाई का भी डेटा आ जाएगा। देन ओके कीजिए। अब यहाँ देखिए मेरा डेटा आ गया। अब तो ये तो हो गई प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हुई कि नहीं, कि आप जब भी नए डेटा यहाँ डालेंगे तो बार बार डेटा को चेंज करना। अब बोले सर रिफ्रेश भी तो करना पड़ता है। तो पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर में आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ डेटा पे जाके कि रिफ्रेश डेटा विन ओपनिंग फाइल, तो ये ऑटोमेटिक जैसे ही फाइल ओपन होगी अपने आप को रिफ्रेश कर लेगा, तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर डेटा सोर्स चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, हम चाहते हैं कि मुझे डेटा सोर्स भी चेंज करने की जरूरत ना पड़े, तो उसको दो तीन तरीके से लगाया जाता है। पहला कि आप डेटा को कन्वर्ट कर दीजिए टेबल में, डेटा पूरा सेलेक्ट कीजिए, होम में ही आपका फॉर्मेट एज ए टेबल होता है इस पे, या इंसर्ट में पिवट के बगल में टेबल होता है उससे इसको ओके कर दीजिए। अब टेबल हो गया। अब टेबल होने से फायदा ये होता है कि जब भी डेटा यहाँ अपडेट होगा टेबल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मैंने 2 जुलाई का डेटा अगर यहाँ 2 जुलाई का डेटा अगर यहाँ डाला, एंटर प्रेस करते ही टेबल अपने आप को इंक्रीज कर दिया, समझे? तो अगर मैं पिवट के ऊपर, पिवट इसे टेबल लगाने के बाद, हम पिवट लगाएं तो यहां देखिए टेबल वन मतलब कि एक रेंज नहीं ले रहा है, टेबल वन को ले रहा है। और ओके करने के बाद अगर मान लीजिए मैंने यहां पे कस्टमर नेम डाल दिया और यहां पे यूनिट डाल दिया, अब कल के डेट में कोई डेटा एंट्री होती है नीचे, जैसे यहां मान लीजिए 3 तारीख के डेटा एंट्री करते हैं, 3 जुलाई का,
इस बार डेटा हम ए वाला ले लेते हैं मनानी का, और अजीत की जगह पे मैं यहाँ पे के कर देता हूँ, ठीक है। अब पिवट पे मैं जाऊंगा और जस्ट क्या करूंगा, रिफ्रेश, एक ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं इस बार डेटा चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना, पर सर इसका इसका हमको हमको क्या क्या बेनिफिट बेनिफिट है, है? मतलब मैं ये नहीं बेनिफिट समझ हुआ ना पाई। आपका कि होता है क्या है कि जब इस तरह के डैशबोर्ड देखिए, आप आगे चल के पिवट टेबल की मदद से इस तरह की रिपोर्ट जब बनाएंगे तो इसमें बहुत सारे पिवट टेबल लगे रहेंगे, दिख रहा है आपको। अब इसमें अगर ये तो मान लीजिए तो जून महीने की रिपोर्ट थी, कब के महीने में रिपोर्ट थी, मान लीजिए 31 मई का रिपोर्ट है ना, कल के डेट में अगर आता है डेटा। अब मान लीजिए होता है कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्ट मंथली बनती है, तो हर महीने 12 महीने की अच्छा रिपोर्ट 12 अलग अलग बनती है, या फिर कभी कई बार रिपोर्ट डेली बनती है, ठीक है ना। हाँ तो बिल्कुल उसमें क्या होता है, जो डेली बनती है रिपोर्ट वो कम्युलेटिव होता है, जैसे कि आज 1 तारीख है तो आज का रिपोर्ट बन गया, फिर कल 2 तारीख है तो 1 तारीख और 2 तारीख दोनों का डेटा कॉन्सेंट्रेट होके फिर रिपोर्ट बनेगी, ताकि कंपेयर कर सके कि पिछले महीने और पिछले कल और आज के सेल में क्या डिफरेंस है, ऐसे ही पिछले हाँ मंडे और बिल्कुल इस सही मंडे सही के सेल में क्या डिफरेंस है, या पिछले मंथ इस मंथ के सेल हाँ में क्या डिफरेंस है। तो कम्युनिटी रिपोर्ट होती है, उस पर क्या होता है कि हर दिन का डेटा वो एक के नीचे चला जाता है, समझ रहे हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती तो है। हम तो हाँ, पिवट पिवट टेबल टेबल के के यूज यूज से से उस उस चीज को चीज को बना बना सकते हैं सकते हैं, सर, मंथली मंथली रिपोर्ट। रिपोर्ट हाँ ये बना या है, देख पा, ईयरली रिपोर्ट। देखा है, बना है ना सर। हाँ वही, हाँ मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि किस जी तरह का क्वेश्चन रहेगा कि जी हम पिवट टेबल यूज करेंगे। पिवट टेबल का यूज हम लोग समरी बनाने के लिए करते हैं। समरी क्या होता है, समरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मान हाँ लीजिए कि मुझे कंपेयर करना है पिछले मंडे और इस मंडे की सेल में, तो पता चला कि इस मंडे सेल काफी ज्यादा हुआ, तो नॉर्मली लोग काफी सेल ज्यादा हुआ देख के खुश हो जाएंगे, समझदार लोग क्या करेंगे उस पे एनालाइज करेंगे कि सेल्स बढ़ा के किस फैक्टर से सेल बढ़ा, अच्छी बात है बढ़ना, लेकिन उसकी तह को सुधारेंगे किस तरह, और वो फैक्टर को बाकी सारे दिन पे अप्लाई करें। पता चला कि मंडे को क्या था कि मंडे को मेरा मेरे पास एक ऑफर आकर हम लोग अप्लाई करते हैं, तो इस कारण सेल बढ़ गया, तो हम हर मंडे अप्लाई करेंगे तो हर मंडे सेल बढ़ जाए, या मंडे को हो सकता है कि हमारा टाइमिंग हम 1 घंटा बढ़ा दिए थे, हम 1 घंटा लेट ओपन लेट नाइट बंद किए थे, इसका मतलब है कि मंडे अगर लेट नाइट रहता है तो सेल ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। इसलिए ठीक है ठीक है जी, सर, सुमन जी आप सुमन जी आप हैं? हैं? हाँ। तो यहाँ कुछ यहाँ बोल क्यों, हाँ यहाँ पे आप समझ में आ गए कि यहाँ क्या दिक्कत था, तो हम टेबल में कन्वर्ट कर, हमने लेकिन सेलेक्ट नहीं किया था, और और हमने जब हमने जब इसको उसमें इसको कन्वर्ट कन्वर्ट किया किया टेबल टेबल में, में तो तो सिर्फ सिर्फ रिफ्रेक्स रिफ्रेश किया तो किया तो आ आ गया गया। हमारा। मैं बोल रहा था आपको, वो तो ठीक है, मैं कुछ और बता रहा था, पर बीच में आप दोनों आज मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं देखिए सर, हमें देखिए भी तो अपने माइंड में माइंड में समझना होगा ना समझना, कि हम नहीं तो सही समझ रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं। मैं दूसरा चीज बता रहा हूँ, आपने लगा कि मैं ये बता रहा हूँ, मैं तो सच बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जब टेबल आप यूज करते हैं तो डेटा टाइप करते हैं तभी टेबल अपने आप को इंक्रीज करता है, आप देख पा रहे हैं ना कि ये टेबल है, ये टेबल का साइज दिख रहा है, ये टेबल आप टेबल यहां तक आ गया, ये टेबल का बॉर्डर दिख रहा है आपको, तो इससे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो टाइप करते समय अपने आप को बढ़ जाता है, क्योंकि टेबल जो लगा है आपका, टेबल जो लगा है इसका भी एक अपना प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, इसका भी नाम टेबल 1 है, तो टाइप करते समय और टेबल ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, पर कॉपी पेस्ट करते समय या कुछ और चीज हम करते हैं डेटा अपडेट करने के लिए, उस समय आउटर टेबल परफॉर्म नहीं करता है, तो यहां पे हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स का इस्तेमाल करते हैं।
हम यहाँ पर रखते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, पिवट टेबल में ये दिख रहा है सेकेंड ऑप्शन फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, और फिर यहाँ न्यू कनेक्शन पे जाके इसी फाइल जो फाइल जहां सेव है ब्राउज फॉर मी कीजिए और इसी फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पिवट टेबल फोर पिवट टेबल फोर एंड ओके, अब बताएगा टेबल, तो हमने यहां पर डेटा को सिलेक्ट किया देन ओके एंड ओके, तो अब ए पिवट एक्सटर्नल वे में लगा। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा डेटा जैसे ही अपडेट होगा ये अपने आप को अपडेट कर देगा, हमें टेबल्स की जरूरत नहीं है, इंसर्ट डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारा पिवट लग जा रहा है, समझे? आया समझ में आपको कि नहीं? थोड़ा एक बार और सर, हम बात एक्सटर्नल डाटा में, हाँ मतलब कि आप पिवट आपको लगाना है तो आप एक्सटर्नल डेटा सोर्स से जाकर लगा सकते हैं, पिवट टेबल फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स ब्राउज, यहाँ चूज कनेक्शंस, ये जो दिख रहा है रिसेंट यूज की गई है, मतलब कि आपने एक ही फाइल बार बार यूज करते हैं तो ये आपको ब्राउज करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर यहां पे ब्राउज फॉर मोर और फिर यहां पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना डेटा, सिंपल ठीक है। डेटा ही नहीं, आप यहां से पास आपके पास अगर जैसे एक्सेस है मेरे पास तो एमएस एक्सेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस 7 को मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड ओपन कर रहे हैं, तो डेटाबेस 7 में कौन सा चाहिए, तो मुझे डेटा टेबल वन चाहिए, हमने सेलेक्ट किया एंड ओके, तो हमने एमएस एक्सेस से अपने डेटा में पिवट लगा लिया, समझे? तो आप आपका कोई भी किसी तरह का डेटा फाइल हो आप चाहिए सेलेक्ट, चाहे एक्सेस का हो चाहे आपका अदर कोई सोर्स हो वहां से ले सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर सर्वर होगा, सर्वर समझते हैं ना एसक्यूएल सर्वर वगैरह, तो अगर सर्वर हो तो आपको फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बट सर्वर इंस्टॉल आपके सिस्टम में होना चाहिए, तो इंसर्ट पिवट टेबल फ्रॉम डेटा सोर्स ब्राउज चूज कनेक्शंस ब्राउज फॉर मी, तो यहाँ पे तो आप अपना फाइल सेलेक्ट कर लेते, चाहे एक्सेल का फाइल हो चाहे एक्सेस का फाइल हो क्या, और कोई भी अदर डेटा सोर्स हो आप ले सकते हैं, CSV हो गया और बहुत सारी चीज होती है नो सर, ठीक है। सर्वर में जैसे कोई फाइल पड़ी हुई है, सर्वर नहीं है, हम बात करें डेटाबेस सर्वर जैसे SQL सर्वर, Oracle, SAS, ऐसे सर्वर को, तो न्यू सोर्स पे जाना होता है, न्यू सोर्स पे आपका SQL सर्वर, SQL सर्वर सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके सर्वर सिलेक्ट करके डेटाबेस सिलेक्ट कर लीजिए, नेटिंग स्टूड है, डेटा फीड है, ODBC है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, Oracle है या कोई अदर सर्वर है वो भी आप ले सकते, तो सर्वर होगा तभी आपको पता चलेगा, ऐसे तो बता नहीं सकते क्योंकि सर्वर होना चाहिए, इसके आगे जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा मुझे सर्वर की डिटेल पूछेगी और मेरे पास सर्वर तो है नहीं, तो अगर आपको लेना हो तो सर्वर डिटेल्स वगैरह तो आपको मिल ही जाएगी, आपकी टैग टीम आपको दे देगा सर्वर की डिटेल्स, क्या सर्वर की डिटेल्स, या फिर आप सर्वर यूज कर रहे हो तो डिटेल पहले से पता होगा, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये सेकेंड पार्ट वाला थोड़ा सा बैठ के और अच्छे से करना जी, तो इसको अच्छे से कीजिए, कल की क्लास में हम बात करेंगे स्लाइसर्स एंड फिल्टर्स के बारे में पिवट के ऊपर। सर थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता कल का क्लास? जल्दी हेलो वेरी था सर, अगर 6 बजे कर लीजिए। हाँ सुमन जी बताए 6 बजे कर लेते हैं, ठीक है 6 बजे कोई समस्या नहीं। हाँ ठीक है सर, फिर डन। क्वेरी था सर, थोड़ा सा क्वेरी था सर, बोलिए। एक्सेल में जो दिखाया जो टेबल एक्सटेंड किया टेबल का जो दिखाया तो क्यों दिखाया उस पे टेबल पे क्यों दिखाया और इस पे क्यों दिखाया, क्यों दिखाया, इसलिए क्वेरी है। समझा नहीं, दोबारा बोलेंगे। और टेबल पे जो दिखाया टेबल पे जो देखा एक्सटेंड करके टेबल जो एक्सटेंड करके
इंक्रीज, नहीं समझे टेबल जो आप इंक्रीज बात? करके सुनिए सुनिए दिखाया सुनिए है। सुनिए सुनिए, जब हम इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो एक एरिया को टेबल अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, उसका एक नाम दे देता है टेबल वन। जैसे आप देखिए टेबल वन नाम दे दिया, ठीक है। अब टेबल हमने लगाया तो यहीं तक लगाया था, 364 तक लगा, लेकिन टेबल के अंदर फैसिलिटी होती है कि जैसे आप वो डेटा टाइप करते हैं टेबल अपने आप को इंक्रीज कर देता है। कर लिया ना, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे यहाँ आगे चौंसठ तथा 65 हो गया ना। तो इससे क्या होता है कि पिवट को लिंक इससे मतलब कि डेटा के सोर्स से मतलब नहीं होता, मतलब कि ये रेंज ABCD से उसको मतलब नहीं है, मतलब उसको टेबल से है, और टेबल अपना डेटा को ऑटोमेटिकली इंक्रीज टाइप करते ही कर लेता है। तो हम पिवट को टेबल से लगाते ताकि हमें बार बार चेंज सोर्स में जाके डेटा को चेंज ना करना पड़े, सोर्स को चेंज ना करना पड़े, जैसे इससे पहले करके दिखाया था मैंने आपको कि अगर डेटा को नया डालते हैं तो पिवट के सोर्स में जाके चेंज करना होता है, लेकिन टेबल करने से नहीं करना होता, सिंपल। अच्छा, अच्छा चेंज 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 जो चेंज डेटा डेटा सोर्स सोर्स है है उस पे तो उसमें एक तो बार एक ही बार ही करूंगा तो करूंगा हो तो हो जाएगा जाएगा ना? ना। तो सर आप एक बार करेंगे तो ठीक है, लेकिन जब भी डेटा चेंज होगा तब करना पड़ेगा ना आपको। नहीं, ठीक है मैं ना, तब मैं क्यों तब क्यों करूंगा? करूंगा, मैं मैं जब भी जब भी डेटा दूंगा, डेटा, इनपुट देखिए करूंगा आपके तब भी। पास डेट, अगर आपके पास फिक्स डेटा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका डेटा हर दिन अपडेट होता है। जैसे आज 1 तारीख का डेटा है, कल 1 और 2 का रहेगा, पर परसों 3 का आएगा, 3 के पेस्ट हो जाएगा, इस तरह से आपको हर दिन नया डेटा ऐड होते रहेगा, लेकिन पिवट आपका पहले से लगा हुआ है तो आपको हर हाँ, दिन अपडेट करना पड़ेगा ना। हर दिन हर दिन चेंज डेटा चेंज डेटा सोर्स क्यों सोर्स क्यों करूँ? करूँ? चेंज डेटा चेंज डेटा सोर्स पे एक सोर्स बार पे एक बार जाइए जाइए सर। सर, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ। देखिए सुनिए, बता, आज आपने डेटा यहाँ डेट डाला, सेल्स डाला, राइट, सेल्स लर्न, तो आपने यहाँ पे एक, आपने आज का डेट डाल दिया और यहाँ पे सेल्स डाल दिया, अब इस पे आपने पीवर्ट लगा लिया, पीवर्ट लगा लिया, तो पीवर्ट जो लगा वो एक और सिर्फ आज के डेट का लगाया ना सर, क्या यहाँ पे आपने डेट डाल दिया, यहाँ पे सेल्स डाल दिया, राइट। कल जो है डेटा आया, तो अब आप ऐसा थोड़ी कि आप नई पीवर्ट बनाएंगे, उसके लिए नई फाइल बनाएंगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि रिपोर्ट क्यूमुलेटिव रिपोर्ट भी होती है, मतलब हर दिन अलग अलग रिपोर्ट भी बनती है और कल से आज तक की सारी डेटे रिपोर्ट अपडेट होती है। जैसे एक रिपोर्ट ऐसा होता है जो मंथली होता है और दिन पर दिन वो डेटा डलते जाती है, रिपोर्ट अपडेट होते जाता है, तो वहां पे तो हर दिन डेटा डलेगा ना सर। जैसे यहाँ 8 तारीख का सेल आया तो यहाँ 8 तारीख का डेटा डलेगा, डला भाई 100 सेल है। अब पिवट पे आपको 8 तारीख तो नहीं आएगा ना यहाँ पे रिफ्रेश करने पे, क्योंकि पिवट 2 तक ही लगा है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज डेटा सोर्स करके हमें 8 तारीख को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कर लिए, तो यहाँ देखिए 7-8 का सेल आ गया, अब परसों फिर 9 तारीख को, फिर 9 तारीख का डेटा आएगा, 9 तारीख का डेटा डाला, अब 9 तारीख का जब डेटा आया तो उसमें यहाँ यहाँ अपडेट नहीं होगा ना सर, पिवट में अपडेट हुआ, तो फिर 9 तारीख को वापस चेंज सोर्स करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना सर, तब 9 का डेटा आएगा ना। तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई ना, आपको हर दिन अपडेट करना पड़ रहा है। अब चलो आप रिपोर्ट हैंडल कर रहे हैं तो आपको करना पड़ रहा है, आपने रिपोर्ट बना के किसी को दे दिया कि भैया ये रिपोर्ट है, तुम इसमें डेटा डालते चले जाओगे और फाइल ओपन करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बन जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी ना। उसको इतना पता रहेगा तभी अपडेट करेगा, अगर उसको पता नहीं है पिवट तो कैसे अपडेट करेगा, फिर आपको हर दिन जाकर उसको अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सटर्नल डेटा सोर्स या टेबल का इस्तेमाल है, अब समझे कि नहीं? चलिए समझे तो ट्राई कीजिए। और